दिल्ली पूर्णा राजेन्द्र नगरे तिन आइएस आसाईको मृत्यु घटना न्याय दावीले जारी रहेछ छन्दोल प्रबल वर्षा सत्वै छ आन्दोलन सामल हुन्छ मृत छ परिवारको क्षतिपूरण मृत्युर प्रकृत कारण सन्ध्र गरेको दावी आन्दोलन जारी रहेछ गत जुलै अनति पूर्णा राजेन्द्र नगर र एक बेसमेन्टले चाहिँ राउस आइएएस स्टडी सर्कल रे ପାଣି ପଶିଯିବାରୁ ତିନି ଆଶାୟୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା ପରଠାରୁ ଜାରି ରହିଛି ଆନ୍ଦୋଳନ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ମୃତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପରିବାରକୁ ପାଞ୍ଚ କୋଟି ଲେଖାଏଁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିଆଯାଉ ଏହା ସହିତ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର ଅଘଟଣରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ତିନିରୁ ଅଧିକ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଥିବାରୁ ଏହାର ପ୍ରକୃତ ତଦନ୍ତ ହେଉ ସେହିପରି କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର ଗୁଡ଼ିକର ଲାଇବ୍ରେରୀ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଉ ବୋଲି ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ ड्रेनेज सिस्टम की थी तो आपने भी देखा चार दिन के बाद भी कोई ग्राउंड लेवल पर एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा कोई वर्क नहीं किया गया यहाँ वही पानी की सेम स्थिति जिनकी वजह से कैजुअलिटीज़ पहले हुई थी वही बरकरार है एडमिनिस्ट्रेशन कहता है कि प्रोटेस्ट आप बंद करो जाओ हम आपकी डिमांड पर फ्यूचर में अमल करेंगे हम सर कैसे मान लें चार दिन की बाद यथास्थिति सेम एज इट इज़ सारी चीज़ें वही हैं आई थिंक हमारा पूरा का पूरा देश बेसिकली इस कहावत को या फिर मेटाफर को बेसिकली दिल से मान के बैठ गया है कि भारत में जो ह्यूमन लाइफ की जो वैल्यू है वो नहीं होती है इट्स हाई टाइम कि हर एक ह्यूमन लाइफ मैटर करना स्टार्ट करे एंड हम चार दिन से बेसिकली यहाँ पे जो यू के एस्पिरेंट है वो यहाँ पर बैठे हुए हैं और कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहा है मतलब कि इतनी बड़ी सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन आर नॉट एबल टू फाइंड अ सोल्यूशन